आवाज ही पहचान है। आवाज ही पहचान है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को उपासना जग्गा का नमस्कार। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिसके आने से बाहर आ जाए और इस बेचैन दिल को चैन आ जाए, तो सचमुच ये जो मन का मयूर है ये खुशी से पागल होगा ही। जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे आके पर्वतों से, जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगी जब महीना। हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है
दास्तानी है मेरी महबूबा। बाहर मौसम के साथ आती है और जब आती है तब या तो ये दिल को बहुत खुश कर जाती है या फिर बहुत उदास। और अगर मन प्रसन्न है, खुश है, तो हमेशा बाहर ही बाहर है। साथियों, प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार होगा उतना ही गहरा प्रेम होगा। साथियों, हम भी इंतजार कर रहे हैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में, कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और हमें आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार है। तो देर किस बात की, जल्दी से हमें आप ईमेल कीजिए और बताइए कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। आप ईमेल कर सकते हैं vbsdelhifeedback@gmail.com पर। जब भी आप ये
लेटर्स टाइप करें तो स्मॉल लेटर्स में टाइप करें। एक बार फिर से पता उन सब श्रोताओं के लिए जिनके पास हमारा ईमेल पता नहीं है, vbsdelhi@gmail.com। हमें आपकी ईमेल्स की प्रतीक्षा रहेगी, इंतज़ार रहेगा। साथियों, इंतज़ार तो इंतज़ार होता है, या यूं कह लीजिए इंतज़ार तो इम्तिहान होता है। प्यार के इस सिलसिले में बे इंतहा इम्तिहान पास करने होते हैं, तब जाकर अपनी चाहत नसीब होती है। हर बार वो मुलाकात याद आती है कि जब पहली बार मिले थे, और उसके बाद जो ये मुलाकातों का सिलसिला होता है वो हमेशा ताउम्र याद आता है। कुछ यूं, ये मुला
हर रोज बहक जाते हैं मेरे कदम पास आने के लिए, ना जाने कितने फासले तय करने हैं अभी आपको पाने के लिए। घेर लेते हैं बाहों के साए।
साथियों, कितना सुंदर चित्रण और वर्णन किया गया है इस गीत में पहाड़ों का, वहाँ की खूबसूरत वादियों का। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। जी हाँ, आपका भी इस शाम में मचल गया ना दिल पहाड़ों में घूमने के लिए, तो कभी मौका मिले तो पहाड़ों की सैर आप अवश्य कीजिए। देखिए कितने सुंदर लगते हैं पहाड़, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, हमेशा वहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है और दिल का मचलना तो स्वाभाविक ही है। कहते भी हैं कि दिल तो दिल है, दिल का क्या कीजिए, दिल का क्या एतबार कीजिए, मचल जाता है, पागल हो जाता है, झूम जाता है ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को। ऐसे में कई बार जो मन है वो चंचल हो जाता है, शरारत करने के लिए मन करता है कि कुछ शरारत करें, तो कभी मौका मिले तो ऐसी छोटी छोटी हसीन मनमानियां भी जरूर कर लेनी चाहिए जीवन में। कभी भी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, इसलिए मौका ना चूकें।
को ललचाए दे मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन तुम दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त पता का चाय गजब का स्वाद। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आवाज ही पहचान है और समय हुआ है शाम के ठीक 6 बजे हैं। जो साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जिन्होंने अभी तक ये कार्यक्रम नहीं सुना उन्हें बता देते हैं अगर आपने अभी भी रेडियो ऑन किया है ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से यानी कि एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हर रोज शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक सुन सकते हैं और बहुत सारे हमें जो ईमेल हैं वो भी हमें मिले हैं। चलिए उनका भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करते चलें। तो जो पहला ईमेल हम ले रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का वो है हमारे साथी हैं बुलंद शहर से बहुत सारे नाम हैं मोहल्ला चौंखुट्टी बुलंद शहर से लिखने वाले हमारे साथी मोहम्मद सईद अब्बासी निगत प्रवीण शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य और आप लिख रहे हैं कि आपका ये कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है हम आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगला ईमेल हम शामिल करते हैं हमारे साथी हैं वो हैं दिवाकर शिनॉय जी। आपने जो ये हमें ईमेल भेजा है ये भेजा है मैंगलोर से और आपको भी आज का ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है आपने लिखा है कि यू आर प्लेइंग नाइस सॉन्ग धन्यवाद आपका दिवाकर जी आपने हमें ईमेल भेजा इसी तरह से ईमेल लिखते रहेंगे। पंकज अग्रवाल जी का हमें ऐसे ये ईमेल प्राप्त हुआ है और आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ और सुरीले गानों का आनंद ले रहा हूँ। पंकज अग्रवाल जी इसी तरह से विविध भारती को सुनते रहिए यहां पर हम आपको हमेशा सुरीले ही नगमे सुनवाएंगे। धन्यवाद पंकज जी कार्यक्रम सुनने के लिए। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं हमारे साथी हैं लिखने वाले हैं जितेंद्र कुमार कपूर और आप भी लिख रहे हैं कि गुड सॉन्ग और आपने ईस्ट दिल्ली से हमें ईमेल भेजा है आपका भी शायद पहला ईमेल है बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल भेजने के लिए। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं महावीर भारद्वाज का दिल्ली से आपने हमें ये ईमेल भेजा है आपको भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ईमेल है लिखने वाले हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन और आपको भी ये जो गीत चल रहे हैं अच्छे लग रहे हैं आप कह रहे हैं कि आपको प्रोग्राम का इंतजार रहता है तो हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे साथ ही मिलकर इकट्ठे बैठकर कार्यक्रम को सुन रहे होते हैं। अगला ईमेल शामिल कर लेते हैं और भेजने वाले हैं हमारे साथी प्रोफेसर ए के टंडन जी आपने माया इनक्लेव हरिनगर से हमें ये ईमेल भेजा है और आपने भी लिखा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है और आप जो गाने प्ले कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और इसके लिए हम आपका भी ए के टंडन साहब धन्यवाद करते हैं आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं आशा शर्मा जी का और आपने भी लिखा है कि मैं भी जो आप गाने प्ले कर रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं इसी तरह से चलाते रहिए तो अगर आप भी हमारे साथ बनी रहेंगी 7 बजे तक तो देखिए कितना अच्छा लगेगा बहुत ही आनंद आएगा आपको भी। आशा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईमेल भेजने के लिए। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं भारत जैन का और आपने ये गुड़गांव से हमें ईमेल भेजा है एक्सीलेंट प्रोग्राम आपने लिखा है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो ईमेल है वो हम शामिल कर रहे हैं बाबूद्दीन का आपने भेजा है कंकड़खेड़ा मेरठ कैंट से आपको भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और एक ईमेल हमें मिला है मानसी गिरधर का और
आप भी लिख रही हैं कि आज का शो मन को भा रहा है, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, मन खुश हो रहा है आपका, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ गौरव, कविता, अनिल, मदान भी सुन रहे हैं। आपने ये जो ईमेल है भेजा है हमें मोती नगर नई दिल्ली से, आप सभी तमाम दोस्तों का शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए। और अब कार्यक्रम का जो अगला गीत है बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, हमने आपके लिए चुना है। तो कभी कभी शाम के इस वक्त में मन चंचल होता है, शरारत करने को करता है मन, लेकिन कई बार जो ये मन है बहुत शांत भी हो जाता है और उदासी में डूबा हुआ होता है। सभी का मूड अलग अलग होता है, तो कभी चंचल है तो कभी उदास है, तो सुख दुख जिस तरह से साथ साथ चलते हैं उसी तरह से मूड का बदलना भी चलता ही रहता है। तो एक ऐसा ही गीत है, आइए सुनते हैं। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आज कल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आज कल कलियां बड़ी शोख हुआ करती है, कोई शोखे पे उतर आई तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जल भी लगाया न करो, इन्हीं आंखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ का जल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा। हाय हाय तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आज कल कलियां बड़ी शोख हुआ करती है, कोई शोखे पे उतर आई तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो।
लंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई, चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी, अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय, फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। जी हाँ साथियों, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आने वाले की जो राह है उन्हें अगर हम पॉजिटिविटी के साथ ही देखें, सकारात्मक सोच ही रखें, तो आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। प्रेम में साथियों रूठना, इतराना, मनाना, बोलना, देखना सब एक अदासी ही होती है। अगर ये सब ना हो तो लगता है जैसे प्रेम है ही नहीं। और शायर भी इस तरह से बहुत से गीत बनाते हैं जिसमें रूठना मनाना ये सब चलता ही रहता है। अगर ये ना हो तो शायद जिंदगी अलग सी ही लगने लगेगी। तभी तो कहते हैं कि कमाल की अदा है इसमें, वार भी दिल पर और राज भी दिल पर। मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। दिल को चुरा कर ले गया, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें, और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही तमा मार गया, इसी जल में तेरे तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है।
ना तड़प ना जाने, थोड़ी सी सुबह भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी तेरे दिल में, बनाया मैंने आशियां तेरे दिल में, बनाया मैंने आशियां। और शरद पूनम की रंग भरी चांदनी मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। हर पल पीछे छूटता जाता है, नया सवेरा जिंदगी कहलाता है। कभी अतीत की गहराइयों में मत जीना, जिंदगी का मजा तो बस आज में ही आता है।
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, साथियों ये सच है कि आने वाला पल जाने वाला है, तो क्यों ना इन पलों को हम प्यार से खुशी से समेट लें। अपनों के साथ मिलते मिलाते रहिए, अपनों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्र जो हैं आपके उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं। बहुत दिनों से जिनसे नहीं मिले उनसे भी मिलें, थोड़े जो मन में गिले शिकवे हैं उन्हें भी दूर कर लें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा आपके मन को। तो ये गीत अभी आपने सुना, और इसी तरह से सुरीले गीतों का जो ये हसीन सफ़र है ये चल रहा है और ये थमेगा शाम 7 बजे तक। और अब जो हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह का गीत है जिसमें बात हो रही है मौसम की। जी हाँ, प्यार का मौसम की बात होने वाली है इस गीत में। तो इसी तरह से जो ये प्यार का मौसम है हम सबके दिलों में हमेशा यूं ही चलता रहे, कभी भी किसी के जीवन में दुख के बादल ना आए, बस हम तो यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं। Thank you.
बोलो ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बतिया सुन सुन के जिया मेरा डोले। स्वाद। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आवाज ही पहचान है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ उपासना जग्गा। साथियों, बाहर का मौसम तो अब तो थोड़ा ठीक है, लेकिन दिन भर की चिलचिलाती धूप में सभी परेशान थे, लेकिन शाम ढलते ढलते थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है। ऐसे में आप भी थोड़ा सा बाहर जाकर घूम सकते हैं, थोड़ा सा बाहर की जो वातावरण है उसकी हवा जो है हल्की सी, चाहे गर्म ही हो, वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मौसम है भाई, गर्मी का मौसम है, अभी ये तो यूं ही चलता ही रहेगा, उमस भरा मौसम है। लेकिन इस मौसम में हम जो सुरीले गीतों की बौछार आप तक भेज रहे हैं इस रेडियो के माध्यम से, हम उम्मीद करते हैं कि ये बौछारें आपके तन और मन को अवश्य ही ठंडक दे रही होंगी। सुरीले गीतों का जो ये सफ़र है ये आप तक पहुंच रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप हमें ईमेल के द्वारा सूचित कर सकते हैं और बता सकते हैं कार्यक्रम कैसा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्या राय है, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। तो अब हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम का ये गीत। वो दिन याद करूं वो चुप चुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करूं, तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद
दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त, पता का चाय गजब का स्वाद। कमल अरोड़ा जी का हमें जो ईमेल है वो मिला है दिलशाद गार्डन से, और वो लिख रहे हैं कि गाने सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपने ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए कमल अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं, लिखने वाले हमारे साथी हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से। आपको भी आज का ये गानों का जो कार्यक्रम है आवाज़ी पहचान कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन मुखी जी कार्यक्रम सुनने के लिए। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं हमारे साथी हैं जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई दिल्ली से। आपको भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो साथियों, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपने साथियों को पुरानी यादें ताज़ा कराएं, ऐसे कुछ जो कहते हैं ना सुरीले मधुर गीत हम आपको सुनवाएं, जिससे कि आपकी जो यादें हैं वो हरी भरी हो जाएं। और गीत तो होते ही ऐसे हैं जिससे हमें कई बातें, पुरानी यादें ताज़ा हो आती हैं, पुराने जो दिन हैं उन्हें हम सोचते हैं कि काश वो दोबारा लौट आएं, लेकिन ऐसा होता है नहीं है। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, तो लेकिन उन यादों को हम रेडियो के माध्यम से, गीतों के ज़रिए हमेशा सुन सकते हैं। और आज का जो ये गुलदस्ता है फूलों का, वो हम ऐसे ही गीत आपके लिए संजो कर लाए हैं जो कि 50, 60 और 70 के दशक के हैं। अगर आपको ये गीत अच्छे लग रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो आप हमें ज़रूर ईमेल करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम का। ये गीत कुछ चुलबुला सा गीत है, आइए इस शाम में इस गीत का भी आनंद लें। ये लड़का है अल्लाह के साथ।
हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। साथियों, धीरे धीरे कब आगे समय चला जाता है पता ही नहीं चलता, और इन रास्तों पर हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अभी ये आपने खूबसूरत सा गीत सुना। दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त, पता का चाय गजब का स्वाद। साथियों, यादें तो यादें ही हैं। यादों का खजाना अगर एक बार खोल लें तो ये कारवां थमता नहीं है, बल्कि और भी लंबा होता चला जाता है। तभी तो ये जहन में ताउम्र रहती हैं।
जिस दिल पे उतारी है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए के सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में नजर मिलती होगी, यो ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरे दिल में परछाई सी करीब रहती है, मेरे दर्द में ये सिसकती है। एक तेरी तस्वीर ही तो है जो मुझे बखूबी समझती है। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आवाज ही पहचान है। चाहूंगा मैं तुझे
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू चैन भी तू दर्श भी तू नैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू दर्श भी तू नैन भी तू। मितवा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, साथियों। कार्यक्रम के आखिर में हम अपने उन साथियों के ईमेल भी शामिल कर लेते हैं जिन्होंने हमें ये संदेश भेजे हैं।
साबिर हुसैन मिरासी मोहब्बत बेगम गांव घिटौरनी नई दिल्ली से ईमेल भेजते हैं। उनको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि आपने हर मूड को ध्यान में रखकर गीतों का चुनाव किया है जो हमें संदेश भेजने पर मजबूर कर देता है। तो इसी तरह से आप विविध भारती को सुनते रहिए। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने साथियों का भरपूर मनोरंजन करें। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं जितेंद्र, मुस्कान, रजनी और सत्यम का। आपने कहाँ से ये हमें ईमेल भेजा है आपने नहीं लिखा, लेकिन आपको हमारा चैनल विविध भारती पसंद आ रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश गोगिया का ईमेल हमें मिला है और आपने भी कहा है कि हम विविध भारती को क्या फीडबैक दें। समझ लीजिए कि बिना श्रोताओं के सब कुछ अधूरा है। तो अगर आप साथ ना होते प्रकाश गोगिया जी और हमारे तमाम साथी, अगर आप हमें सुन नहीं रहे होते तो हमारा जो ये कार्यक्रम है ये बेकार ही होता। आप सभी साथियों का साथ होता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो बस अब चलते चलते यही कहना है अपने साथियों से, यूं ही विविध भारती को सुनते रहिए। और अब आज के इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनिए, आनंद लीजिए। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जान जा दिल तोड़ के। हो रुक जान जा दिल तोड़ के। Thank you.
साथियों, मिलना और बिछड़ना तो लगा ही रहता है, लेकिन भाई अगर हम जा रहे हैं तो आएंगे भी ज़रूर। कल मुलाकात होगी शाम 5:30 पर इसी कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी को उपासना जग्गा का नमस्कार।